उत्तराखंड को मिला मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार, मुख्यमंत्री धामी नदी बधाई, कहा यह हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण। उत्तराखंड में बदला ग्राम विकास एवं पलायन आयोग का नाम, अब पलायन निवारण आयोग से होगी पहचान। उत्तराखंड में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस हाईकमान गंभीर, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य करेंगे जांच। यूके एसएसएससी की स्नातक स्तर की भर्ती परीक्षा में हुई थी गड़बड़ी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए जांच के आदेश। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग आगामी अगस्त से मई के बीच विशेष अभियान करेगा शुरू, 3000 पदों के लिए 10000 अभ्यर्थी देंगे इंटरव्यू। और पर्वतीय जिलों में अगले दो दिन भारी वर्षा के आसार, कहीं कहीं हल्की और तेज बौछार का क्रम, 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है, मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। सबसे पहले बात करेंगे, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुमायूं से हल्द्वानी में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का कार्य तय समय से पूर्ण नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांगी और न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने निर्माण एजेंसी उत्तराखंड पेयजल निगम को निर्देश दिए कि ये कार्य कब तक पूर्ण होगा, साथ ही कितने फेज में कार्य हुआ, कार्य पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, कार्य पूर्ण करने की अंतिम तिथि क्या है और कब तक स्टेडियम का उद्घाटन होगा। 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कोर्ट ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत सरकार, उत्तराखंड स्पोर्ट्स सेक्रेटरी व कमिश्नर कुमायूं को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। खबर नैनीताल से है, उत्तराखंड हाईकोर्ट में एनएसयूआई के पूर्व जिलाध्यक्ष पर दुष्कर्म करने के मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने उनकी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। आज सुनवाई के दौरान पीड़िता की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि अभियुक्त की पूर्व में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी, उसके बाद भी वो पीड़िता को डराया धमकाया करता रहा। अभियुक्त ने अपनी गिरफ्तारी के आदेश का गलत इस्तेमाल किया। अभियुक्त का पारिवारिक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखना, वह बार बार पीड़िता को थाने में बुलाकर केस वापस लेने का दबाव बनाता रहा। मामले के अनुसार 2013-14 में एनएसयूआई नैनीताल जिलाध्यक्ष रह चुके तरुण साह के खिलाफ एक महिला ने मुखानी थाना पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि तरुण साह ने 2018 में उससे अवैध संबंध बनाए, लोक लाज का हवाला देकर उसे चुप कराता रहा और बार बार धमकी देकर शारीरिक शोषण करता रहा। इसमें कुछ तथ्य कोर्ट के संज्ञान में लाए गए थे, शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया था कि उनको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पुलिस के किसी अधिकारी की भी संलिप्तता थी और उनके द्वारा उनको अपनी कंप्लेंट वापस लेने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी दबाव डाला गया था। तो इन सब कारणों को और इन तथ्यों को देखते हुए आज कोर्ट ने जो अभियुक्त की एंटीसिपेटरी बेल थी, अग्रिम जमानत याचिका थी, वो आज खारिज कर दी। रुड़की नगर निवासी अमित अग्रवाल नामक याचिकाकर्ता द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए अपनी दलील पेश की गई कि रुड़की के बतौर मेयर गौरव गोयल ने अपने पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग किया है। याचिकाकर्ता द्वारा खंडपीठ के समक्ष कहा गया कि गौरव गोयल ने दूरभाष के जरिए एक भूमि की लीज बढ़ाने के एवज में 25 लाख रुपये मांगे थे, जिसका फोन कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने और मामला बढ़ते देख बातचीत के वॉयस सैंपल रिकॉर्ड को फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया है, जो बाद में सही पाई गई थी। इतना ही नहीं बल्कि मेयर पर अपनी नगर निगम में तैनात एक कर्मचारी पर झूठे मामले में फंसाए जाने की भी दलील पेश की गई, जिसके मुताबिक अपने निजी हितों की आड़ में केस वापस लिए जाने की बात अपनी याचिका में कही गई। मामले पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की दोहरी खंडपीठ ने सरकार को निर्देश जारी किए हैं कि नगर निगम एक्ट की संशोधित धारा 16 के अंतर्गत कुल 8 हफ्तों के अंदर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आज भी एक जनहित याचिका लगी थी, जो रुड़की नगर निगम के जो मेयर हैं उनके विरुद्ध जो एक FIR दर्ज हुई है और जिसमें FSL रिपोर्ट में उनके वॉइस टेस्टिंग में ये पुष्टि हो गई है कि उनके द्वारा कुछ अनुचित मांग की गई थी। इसके अलावा कई अन्य रिपोर्ट और कई अन्य उदाहरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए,
तो माननीय न्यायालय द्वारा शासन से कहा गया है कि धारा 16 जो उत्तराखंड नगर निगम अधिनियम है उसके तहत आप इस पर आवश्यक कार्रवाई करके और जो उसमें प्रक्रिया दी गई है उसके अनुसार आप कार्य करके जांच करके 2 महीने के अंदर इस पर निर्णय लें। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेले का आयोजन हुए करीब 8 दिन बीत चुके हैं और अब कांवड़ मेले में दिन प्रतिदिन कांवड़ियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कई सामाजिक संगठन हैं और राजनीतिक दलों के द्वारा कांवड़ मेले में आए श्रद्धालुओं की निस्वार्थ भाव से सेवा की जा रही है। वहीं आज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष संजय सैनी के नेतृत्व में शिवभक्त कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा के साथ ढोल नगाड़ों से उनका स्वागत किया गया। आम आदमी पार्टी द्वारा शिवभक्त कांवड़ियों का स्वागत कर पुष्प अर्पित किए और फल वितरण कर उनकी मंगल यात्रा की कामना की। नगरी हरिद्वार में जिस तरह शिव भक्तों का भूमार है, करोड़ों शिव भक्त यहाँ पर गंगा जल लेके जा रहे हैं, उन्हीं शिव भक्तों को स्वागत के लिए आज आम आदमी पार्टी की जो हरिद्वार की टीम है आज उनके स्वागत और अभिनंदन के लिए उन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है। तो सभी शिव भक्तों का यहाँ पर हरिद्वार आगमन पर बहुत स्वागत। खबर हरिद्वार से है जहाँ आज शिव भक्तों के स्वागत के लिए उनके ऊपर पुष्प वर्षा कराई गई। ये पुष्प वर्षा नारसन से लेकर हर की पैड़ी तक की गई। आपको बता दें कि जैसे ही हर की पैड़ी पर हेलीकॉप्टर पहुंचा वैसे ही पॉलीथीन का एक बड़ा टुकड़ा उड़कर हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों के पास जा पहुंचा। पर गनीमत ये रही कि ये प्लास्टिक का टुकड़ा हेलीकॉप्टर की पंखुड़ियों से नहीं टकराया, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इस एक घटना ने हर की पैड़ी में सफाई व्यवस्था की पोल भी खोल दी है। इस तरह की घटनाओं से किसी ने नहीं किया। खबर लक्सर से है। उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर शासन प्रशासन के निर्देशों पर लगातार पुलिस महकमा अपनी मुस्तैदी दिखा रहा है, जिसका असर अब राज्य के लक्सर से सटी हुई यूपी की सीमाओं पर भी नजर आया, जहां पुलिस वाहनों पर लगातार पैनी नजर रखे हुए है, बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। बीते दिनों SSB जैसी पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा STF तक कांवड़ के निर्धारित सुपर जोन क्षेत्रों और रेलवे स्टेशनों पर औचक निरीक्षण कर चुकी है। इसके अलावा RPF से जुड़े उच्चाधिकारियों के साथ GRP के SSP और ASP द्वारा भी सुरक्षा तैनाती का बारीकी से जायजा लिया जा चुका है। की बात कांवड़े जो 2 साल तक पहुंच रही है, उस पर हमारे ये आंकलन है कि इस बार जो है हर साल की तरह से ज़्यादा कांवड़ आएगी, इसलिए ये करके जो कांवड़ में एक सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था की गई है और इस क्षेत्र में तो 100-150 आदमी हमने नाइट और डे में लगाए हैं। इसको क्षेत्र में 9 सेक्टर बांटा हुआ है और पूरा जो है जगह जगह सेक्टर इंचार्ज जो है दरवाजे बना रखे हैं, उनके साथ में सफाई कर दी जो पूरी जगह जगह सफाई खड़े करके हमने एक लाइन पे ही चलना पड़ेगा। ये जो लक्सर जो हमारा निकल रास्ता है ये सिर्फ कांवड़ के आने के लिए है, जाने के लिए नहीं है, जाने के लिए हाईवे के लिए। और रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है, नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया है। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, 17 वर्षीय नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म।
रुद्रप्रयाग से खबर, जच्चा बच्चा दोनों की हुई जिला अस्पताल में मौत। पेट दर्द की शिकायत पर नाबालिग आई थी जिला अस्पताल। चिकित्सकों को भी नहीं दी गर्भवती होने की जानकारी। बिना डॉक्टरों की जानकारी के शौचालय में दिया बच्चे को जन्म। नाबालिग की मां ने शौचालय में कराई डिलीवरी। डिलीवरी के बाद नाबालिग ने अस्पताल में ही तोड़ा दम। मृत नवजात की सफाई कर्मियों को लगी भनक। रुद्रप्रयाग से खबर, 17 वर्षीय नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया। जच्चा बच्चा दोनों की हुई जिला अस्पताल में मौत। पेट दर्द की शिकायत पर नाबालिग आई थी जिला अस्पताल। चिकित्सकों को भी नहीं दी जानकारी। बिना चिकित्सकों की जानकारी के शौचालय में दिया बच्चे को जन्म। रुद्रप्रयाग से खबर, डिलीवरी के बाद नाबालिग ने अस्पताल में ही तोड़ा दम। रुद्रप्रयाग से खबर, रुद्रप्रयाग से खबर आ रही है, 17 वर्षीय नाबालिग बच्ची की मौत। नाबालिग ने बच्चे को जन्म दिया, इसके बाद दोनों की मौत हो गई। नाबालिग की मां ने शौचालय में ही डिलीवरी कराई। नैनीताल के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में स्कूली छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए करियर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। समाजसेवी ईशा शाह द्वारा आयोजित इस करियर ओरिएंटेड वर्कशॉप में 24 देश और विदेश के विश्वविद्यालयों से आए अनुभवी प्रोफेसरों ने बच्चों को स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बेहतर रोजगार के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, करियर की राह में आगे बढ़ने के लिए कौन सी स्ट्रीम चुनी जाए, स्कूल के बाद आप किस तरह के कोर्स कर सकते हैं और किस प्रकार सफलता मिल सकती है जिससे आप ऊंचाई के नए आयाम छू सकते हैं, ये जानकारियां साझा की। देखिए, ये हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने डायरेक्शन साहब और साक्षी मित्तल जी यूनिवर्सिटी ली, हम दोनों ने मिलके ये अपना एक कदम उठाया है। हम लोग करियर काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को एडवाइस करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंडिया और अब्रॉड में, तो हम लोगों ने मिलके ये एक कदम उठाया है कि जी हाँ, तो जो ये कदम हमने यूनिवर्सिटी लीप और डायरेक्शन हमने उठाया है करियर काउंसलिंग करने का, इसका बेनिफिट ये है कि आजकल जैसे कि हम जानते हैं कि कितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, नई नई चीज़ें आ गई हैं। आज हमारा ये करियर फेयर करने का ये मोटिव है कि देश विदेश से यूनिवर्सिटीज़ आएँ और बच्चों को नई नई चीज़ों के बारे में बताएँ। हमारी भारतीय, चाहे वह सरकार है चाहे सभी लोग हैं, आजकल इतनी नई नई चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, डेटा साइंस हो गया, डेटा एनालिटिक्स हो गया, बहुत सारे ऐसे नए नए कोर्सेज आ गए हैं। तो हमारा आज का यही मुद्दा था कि बच्चे नए नए कोर्सेज के बारे में जान पाएं कि इससे वो कैसे अपना भविष्य बना सकते हैं। और यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए।